92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। और अब बात तनुजा जी की। मैं जाती तौर पर उनको बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानता हूँ। खूबसूरत तो है ही, लेकिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बेहतरीन काम करने वाले। एक बार एक फिल्म का शॉट देते हुए केदार शर्मा जी ने तनुजा के गाल पर जड़ दिया एक जोरदार थप्पड़। बात उन दिनों की है जब तनुजा को केदार शर्मा ने एक फिल्म के लिए साइन किया। 1961 की फिल्म थी हमारी याद आएगी। इससे पहले तनुजा सन 1960 में भी एक फिल्म कर चुकी थी जिसका नाम था छबीली, जिसे उनकी माताजी शोभना समर्थ जी ने बनाया था। इस फिल्म का एक्सपीरियंस ये था, घर की फिल्म थी तो सारा एक्सपीरियंस ऐसा था पिकनिक कर रहे हैं। अच्छा, तनुजा जी की पढ़ाई विदेश में हुई थी जिसकी वजह से हिंदी में उनका हाथ थोड़ा तंग था, और इसी वजह से केदार शर्मा जी को 6 महीनों तक उनके सही डिक्शन पर काम करना पड़ा। हालांकि वो टैलेंटेड तो थी, मगर टैलेंट को भी तो ग्रूम करना पड़ता है ना। 6 महीने की ट्रेनिंग दी और उसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू की। जब इस फिल्म का एक ट्रेजिक सीन पिक्चराइज हो रहा था जिसमें तनुजा जी को जोर जोर से रोना था, तब रोने की बजाय उन्हें आ रही थी हंसी। हंसी की वजह से जाहिर है कि सीन रीटेक हो रहे थे और केदार शर्मा जी बार बार हिदायत दे रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि हंसो मत, सीरियस हो जाओ, मगर तनुजा जी थी के कुछ भी कोशिश करे हंसी छूट पड़ती थी। अब केदार शर्मा जी को गुस्सा आने लगा। एक अकेली तनुजा की वजह से सारी यूनिट का टाइम बर्बाद हो रहा था, तो थोड़ी देर और उन्होंने बर्दाश्त करने की ठान ली, फिर से टेक लेना शुरू किया। हर बार की तरह तनुजा के आंसू लाने के लिए ग्लिसरीन लगाई जा रही थी उनकी आंखों पर, मगर बार बार रिटेक की वजह से ग्लिसरीन की पूरी बोतल ही खत्म हो गई, मगर रोने का सीन ओके नहीं हुआ। अब केदार शर्मा जी के सब्र का बांध टूट गया। बहुत कोशिश करने के बावजूद जब उन्हें डिजायर्ड इफेक्ट का शॉट नहीं मिला तो गुस्से में आकर उन्होंने पूरी यूनिट के सामने अपनी फिल्म की हीरोइन तनुजा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पर उस जमाने के सर वैल्यूज अलग थे क्या? सारी यूनिट के बताऊंगा, जरा सुनिए गौर से। सारी यूनिट के सामने हुए सीन के बाद तनुजा की हंसी गायब हो गई और तनुजा अब सचमुच में रो पड़ी और सबके सामने रोने लगी, और इसी रोने की हालत में अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। घर पहुंचकर इस लाडली बेटी ने जब इस घटना का जिक्र अपनी मां शोभना समर्थ से किया तो शोभना जी ने तनुजा का हाथ पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और सीधे पहुंच गए स्टूडियो। स्टूडियो पहुंचने के बाद शोभना समर्थ जी ने केदार शर्मा जी से कहा, केदार ये रही तुम्हारी एक्ट्रेस और तुम्हें पूरा हक है कि तुम इसे इसकी गलती की सजा दो, मेरी तरफ से भी तुम्हें इस पर हाथ उठाने की पूरी छूट। देखिए, ये स्पिरिट थी अपनी मदर की बात सुनकर, और डायरेक्टर के उस थप्पड़ से तनुजा की जिंदगी बदल गई। शायद ये थप्पड़ था और माँ का वो सबक जिसकी वजह से तनुजा को मैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो कुछ ग्रेट एक्ट्रेसेस हैं उनमें से एक मानता हूँ। वो कौन सी फिल्म थी जिसका प्रीमियर राजेश खन्ना ने बालकनी में खड़े होकर देखा? फिल्म का नाम क्या था, एक किस्सा क्या था, सब सुनाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।